रह गया क्या? हाँ बोलो तो भागवत का ना स्थापना वगैरह होने के टाइम ना काफी टाइम हो गया था, फिर हमें ना साईं बाबा के मंदिर भी जाना था, तो मंदिर 4 बजे से ही खुलता है शाम को, तो हमने सोचा फिर हम चाय पी लेते हैं, तो हम चाय सुट्टा बार पे यहाँ आ गए चाय पीने के लिए। तो आ गई हमारी चाय और मैंने और मेरी सिस्टर ने कुछ एक दो रील शूट किए, ज़्यादा तो वो बनाती नहीं है बट ये फिर भी मैंने शूट किए बोल के, और उसके बाद से यहाँ बहुत अच्छी चाय है। चाय सुट्टा बार पे अगर आप यहाँ से हैं तो आप कभी यहाँ चाय पीने आना, हमारे यहाँ ही है ये। तो बस ये इन लोगों ने सैंडविच ऑर्डर कर ली क्योंकि सुबह से ही सब ऐसे थे स्थापना की वजह से, और तो ये तीनों ने सैंडविच खाए और मैंने और मेरी सिस्टर ने चाय पी। उसके बाद 4 बजे मंदिर खुलेगा तब हम जाएंगे दर्शन के लिए। सुबह सुबह जाते हैं तो खाली पेट ही चले जाते हैं, बट अभी टाइम काफ़ी हो गया था तो सीबी भी भूखा था, तो इन लोगों ने ना यहाँ पर सैंडविच वगैरह ले लिए, हमने चाय पी ली। अभी हम दोनों ने यहाँ कर ली वीडियो शूट चाय वाली, कोल्ड कॉफ़ी मंगाई। अभी मैंने तो चाय पूरी पी ली है, मस्त यार चाय तो अच्छी है यार। तो ये है चाय सुट्टा बार, मैं भी फोटो क्लिक करूँगी वहाँ पे। है मीठी कम है उसे, मीठी कम लग रही, ज़्यादा मीठी पीती क्या? इलायची चाय मैंने पी है, बाकी तो इन लोगों ने कॉल कर दी है। तो फौजी साहब को यहाँ चाय पसंद आ गई चाय सुट्टा बार पे, उससे इसका मतलब वो 100% तो ये 70 था लेकिन कुछ तो था। हाँ, कुछ था। कौन सी वाली चाय के लिए इतने परेशान हो रहे हो? एवले एवले भैया, एवले चाय इनके लिए वही प्लीज कर देना, आई रिक्वेस्ट यू। तो चलिए ठीक है। तो ये आप अगर इटावा से हैं तो चाय सुट्टा वार ये अभी नया ही ओपन हुआ है। तो बस मस्त चाय वाय पी के और इन लोगों ने सैंडविच खाया, और फिर उसके बाद अभी हम निकलेंगे मंदिर के लिए। 4 बजे मंदिर ओपन हो जाएगा, फिर दर्शन करने के बाद फिर हम आएंगे वापस। और व्लॉग तो आपको पता नहीं ये कब मिलेगा देखने को, बट मैं शूट कर ले ली हूँ, एक दो दिन में जो जो चीज़ का मेरे को टाइम मिलेगा मैं करती रहूँगी, आपको जितना टाइम मिलेगा मैं आपको दिखा दूँगी। ये लीजिए फौजी साहब, भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को चाय, मस्त लगी इलायची चाय। गुड़ की चाय पीने के लिए हम कल फिर आएंगे। यहाँ पे मस्त थी ना वैसे भी इलायची वाली चाय, ज़बरदस्त थी मस्त। तो हम सब ना आप लोग को येलो येलो दिख रहे हैं, आप समझ लीजिए आपने पुराना वाला इससे पहले वाला ब्लॉग देखा होगा। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से मंदिर, साईं बाबा के मंदिर है ना, काफ़ी टाइम से क्योंकि मैं घर चली जाती फिर नहीं जा पाती, ये भी अकेली नहीं जा पाती है, तो इसलिए अभी हम सब साथ में मंदिर जा रहे हैं। मम्मी तो भाग कथा में बैठी हुई है, हमने सोचा मंदिर होके आके आ जाते हैं, हमारा भी प्रमोशन हो रहा है साथ में। चैनल का नाम पूछा जा रहा है। तो मंदिर आ गए थे हम, मंदिर आने के बाद ना यहाँ मैं पूजा वगैरह सब हम लोगों ने कर ली थी, उसके बाद से हम बैठे थे तो मैंने यहाँ बैठे बैठे ये थोड़ी सी वीडियो शूट की। यहाँ पे बैठ के इतनी शांति मिलती है पूजा वूजा करने का, वो सब शूट नहीं कर पाए क्योंकि सभी पूजा एक साथ ही कर रहे थे तो वीडियो शूट नहीं हो पाए। और उसके बाद यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं, तो जब भी हम लोग जब भी आते हैं तब हम यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, बैठने के बाद फिर थोड़ा सा जब हमें अंदर से अच्छा लगता है सुकून सा मिलता है बैठने का, सभी बैठे हुए हैं वीडियो शूट करें बस थोड़ा सा बहुत खुशी मिलती है यहाँ पे आके। हम जब भी बैठते हैं, जब भी हमारा आना होता है हम यहाँ बैठते ज़रूर हैं पूजा करने के बाद। तो यहाँ पे ये अगरबत्ती के लिए बाहर रखा हुआ है, तो यहाँ फौजी साहब और ये हम सब कर चुके हैं और ये दोनों अपना कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे नहीं मालूम कोई मानता है कोई नहीं मानता है साईं बाबा को, बट हम जब भी यहाँ मंदिर आते हैं बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। भगवान कोई ही भी हो, कोई भी, सब में एक ही को देखना चाहिए, सारे भगवान का अलग अलग हुआ है बट मालिक एक है, ये बात सही है। भगवान हर भगवान को आप एक ही अपने अंतरात्मा में एक को ही देखें, तो ऐसा नहीं है किसी को कोई मानता है कोई बिल्कुल नहीं मानता है, मैं किसी को एक को वो नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट भी ना करें जो मुझे उसे ब्लॉक करना पड़े। बट मैं चाहे कोई भगवान हो मैं सबको उतना ही दिल से मानती हूँ, और मेरे अंदर सिर्फ एक ही सबका मालिक एक, ये बात मैं लेकर चलती हूँ।
तो चलिए फिर यहाँ से हम निकले हैं वापस और अब घर पहुँच जाएंगे। क्या कर रही है? मैं बना रही हूँ कुकीज। अब इनको फ्राई करूँगी। अच्छा हाँ, ये जा रहे हैं देवर जी, देवर जी जा रहे हैं। बोतल क्यों गिरी हुई है? कहाँ गिरी बोतल? पानी सोडा, ये सोडा का नहीं, सोडा का खाली हो गया, पानी का है। तो गाइस मैं बना रही हूँ अभी कुकीज़। क्या आप लोग बनाते हो? ये किसकी है ये, पता है इसमें क्या क्या डाला है मैंने? इसमें सारी चीज़ें ना बराबर की डाली हुई है, नारियल और मैदा, चीनी, और इसको मैंने ना मलाई वाली, प्योर मलाई, फुल मलाई वाला दूध से मिक्स करके फिर मैं इनको बिस्किट टाइप से बनाऊँगी। मेरी हालत कैसी हो गई तो मैं ये इस तरीके का ना डो बना रखा है मैंने, ये देखो, ये ऐसा इस सब चीज़ मिक्स कर लिया मैंने इसको। अब इसकी छोटी छोटी कुकीज़ बना के रख रही हूँ, इनको डीप फ्राई करूँगी बाद में। अभी आपको बनने के बाद दिखाऊँगी मैं, है ना? तो आप बताओ आप कहाँ घूमे आज पूरा? ये जो बंदा है ना, ये आप देख रहे हो, ये यहाँ आके ना ससुराल में घूमने, तो यहाँ आके इतना फ्री हो जाते हैं, फ्री पूरा दिन घूमे, कल के गए आज वापस आए। तो मेरा घर है मेरा घर है क्या? मेरा घर मन है क्या? मेरा भी घर है, ये तो टाइम ही घूम लेगा, ड्यूटी के टाइम, ड्यूटी घूमने टाइम घूमना, छुट्टी इसलिए ली जाती है घूमने के लिए। ये देख रहे हो ना, हमने रात, ये सब हमने रात में कर रहे हैं, अभी रात में, क्योंकि सुबह ना उसका क्या कहते हैं पूजन है भागवत का, जो सुबह हवन होगा, हवन का कल में, हवन वाला सुबह मॉर्निंग का जो हवन पूजा होता है वो कल मॉर्निंग का अपलोड करूँगी ब्लॉग, और अभी वाला तो आज नाइट में ये सब बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे, कैसा लगा ये बनने के बाद ना, कैसे बनते हैं। अभी तो मैं बना रही, कच्चा नहीं खा सकते? कच्चा नहीं, उसमें सब कुछ कच्चा ही तो है, मैदा है, सूजी है, मैदा है क्या तुम्हें? सारा कुछ ना एक एक कटोरी का, मैदा ही खोया और सूजी है। हाँ, ये मोटू राम क्या लेके आ गए, क्या लेके आया? आइसक्रीम, आइसक्रीम लेके आ गए देवर जी। मैं तुम्हारा आइसक्रीम कौन सा है? वनीला केसर पिस्ता, पहले पैसा नहीं दे रहा था मेरे को, आज वो केसर पिस्ता। इतनी मेहनत करनी तेरे लिए। तो फाइनली सीखने के बाद ना कुछ इस तरीके से ये लगते हैं, आप देखिए ना, इनमें ये शुगर और नारियल और ये मैदा सब चीज़ पड़ी होती है ना, ये थोड़ी सी धीमी आंच पे सेक के, और मैं सेकने उस टाइम मैंने सूट ही नहीं कर पाया। कोई नहीं होता है यहाँ ससुराल में मेरा ना, तो कुछ ढंग से हो नहीं पाता है, सूट नहीं हो पाता है, और काम वाली दीदी नहीं आ रही ना, तो प्रॉपर ढंग से मैं भूल भी जा रही हूँ, दीदी आएगी तो मैं कर पाऊँगी। और ये मटर ही छोटी वाली सिस्टर ने बना दी। चलिए तो फिर मैं फिर मिलूँगी आप। कहाँ की कुल्फी है ये? फिरोजाबाद में ना जब भी निकलते तब ये कुल्फी, केसर कुल्फी, केसर कुल्फी। ये वाइटनेस क्यों आ रहा है? ये आपने वो खोल रखा ना उसको, इसलिए आ रहा है। ऐसा है क्या? अब तेरी कुल्फी भी चाटूं क्या मैं? ये पिघल रही मेरे हाथ में, तब भी आ रहा है। सीबी को घर छोड़ के आए हम। ब्लॉग देखेगा बोलेगा आपने अकेले अकेले कुल्फी खा ली, कुल्फी खा ली, ब्लॉग में देखेगा मॉम आपने अकेले कुल्फी खा ली, दादी के पास छोड़ के आए हम उसको। ए पैसा कहाँ रहे? 20 वाली है सर, 20 वाली चलेगी यार, वो है ना इसके नारे। अच्छा जी, चाहिए नहीं, नहीं इसके नारे, ऑनलाइन पेमेंट है? ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, कैश तो नहीं होगा भाई, कैश 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 मेरे पास भी नहीं है, कैश किसी में नहीं है। अरे यार कैसे तो किसी में, उनको पर्स में देखो। तो गाइस आपको जैसे कि पता ही है कि अभी इस टाइम पे ससुराल में गुजर रहा है समय हमारा, और आज हम जा रहे हैं वापस मथुरा, वापस मथुरा जा रही हूं, छोटे भाई की आज ट्रेन है, छुट्टी खत्म है, लेकिन हम लोग वापस आएंगे। थोड़ा यूनिट में भी मुझे काम है, बुलावा आया है मेरा किसी काम के लिए। मैं भी ना अपना जो अपना काम है ना पार्सल, वो वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, मैं भी अपना पार्सल वगैरह लेके आ जाऊंगी, और जो मेरे पौधे मैंने घर में लगा रखे ना उनको मैं पानी वानी दे के आ जाऊंगी, फिर क्योंकि सेबी को घर ही छोड़ के आज मैं पॉजिटिव होने से यही सब फायदा ये फायदा है। आप लोग बोलते हैं कितनी जल्दी जल्दी घर कैसे चले जाते हैं, हम दो दिन की छुट्टी लेके भी घर पहुंच जाते हैं, और कभी कभी होता है कि हम आउट पास लेके भी घर पहुंच जाते हैं, दो घंटे में हम घर पहुंच जाते हैं, दो घंटे में हम
ड्यूटी पे पहुंच जाते हैं पाँच साहब। तो बस वही है कि अभी हम जा रहे हैं, और ये जो ब्लॉग आप देख रहे हैं आपने देखा होगा जी, मैं जिस दिन आई थी ना उसके दूसरे दिन जब से भागवत बैठी हुई है उस दिन का, ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने ना 3-4 दिन का ये आपको मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि घर में आपको पता ही है ससुराल है तो थोड़ा सा काम भी होता है, तो मैं प्रॉपर ढंग से ब्लॉग नहीं यहाँ बना पा रही हूँ। और सच में बताऊँ कि ब्लॉग और वीडियो में अगर इतनी ज़्यादा मैं दूंगी उनको प्रायोरिटी तो फिर ये हो जाएगा कि फिर मैं अपना घर नहीं देख पाऊँगी। तो यहाँ पे जितना हो सकता है ससुराल ससुराल होता है। आप लोग भी अगर आप में से आप समझते होंगे कि उतनी ज्यादा मम्मी डैडी सपोर्ट बहुत करते हैं, लेकिन सपोर्ट काम का मतलब जाता है थोड़ा सा, हाँ, काम तो नाजायज फायदा नहीं उठाती मैं, कि इसलिए जितना हो पा रहा है मैंने 2-3 दिन का इकट्ठा करके आपको दिखा दे रही हूँ। अब मैं आज से वापस जाऊंगी, कल मेरे यहाँ पे पूजा है तुलसी का, तो मेरे यहाँ पे जो तुलसी है मैं वो भी लेके जाऊंगी अपनी। अभी शायद वो पता नहीं बची भी है ढंग से कि नहीं, क्योंकि पानी भी नहीं मिला है और सर्दी में चली भी गई थी वो। तो जो आप लोग शायद जानते हो तुलसी पूजा है परसों, तो वो पूजा की वजह से मैं और भी आ गई कि यहाँ से तुलसी ले जाऊंगी और फिर मैं पूजा करूंगी। तो आपको नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ तुलसी पूजा जो है वो सोमवती बोलते हैं, सोमवती, तो अगर आप लोग करते होंगे तो आप जानते होंगे जो 108 फेरी लगाते हैं वो वाली पूजा है, तो वही हम सब करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ कैसे होती है। तो चलिए फिर अभी पहुँच के आपसे मिलते हैं, तब तक हम दोनों अभी हमारे ना देवर जी की देखो वो ड्राइविंग कर रहा है और हम दोनों पीछे बैठे हुए हैं क्योंकि अब जब ये चला जाता है ना फिर हमको इतना रिलैक्स नहीं रहता है, फिर इनको चलाने रहती है और मैं आगे बैठती हूँ। मेरे को तो रहता है, खैर इनको नहीं रहता है, बट जब तक ये रहता है तब तक इनको रिलैक्स रहता है क्योंकि वो पूरा संभाल लेता है, गाड़ी कहीं जाना आना है इसके ऊपर हम लोग टेंशन नहीं रहते हैं। आराम से बैठे हुए हैं पीछे, आइसक्रीम खा ली, आराम से बैठे बैठे जा रहे हैं। मुझे ना कल ही वापस जाना है, नहीं तो नेक्स्ट अभी मेरा जो मेरी सिस्टर है ना वो भी आने के लिए थी, उसको क्या बिहारी जी के दर्शन और परिक्रमा वगैरह लगानी है, तो फिर मैं उसको अभी छुट्टी हो जाए उसकी स्कूल की, वो टीचर है, तो छुट्टी होते ही फिर उसको फिर लेके आऊँगी, तो फिर मैं परिक्रमा वगैरह लगाऊँ। यहाँ पे आने का यही है कि घर से भी सब आते जाते रहते हैं और हम भी घर बराबर आते जाते रहते हैं, तो बोर नहीं होती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे पोस्टिंग आ गई है। नहीं तो क्या है, हैदराबाद से ना 3-4 महीने 5 महीने हो जाते थे तब आना हो पाता था, अब यहाँ से कभी भी मैं घर से किसी को बुला लेती हूँ, कभी खुद घर चली जाती हूँ। तो चलिए बने रहिए आप लोग, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो गाइस घर आ गए, घर आके फिर ससुराल में होते तो कैसे रहते ना, फिर यहाँ आते ही मैंने ना अपना ड्रेस चेंज कर लिया। और आप बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप पर्दा करते हो क्या, मेरी वीडियो जो आपने देखे होंगे, तो ऐसा है कि मेरे घर में जो है ना मम्मा है, डैडी है, मेरे जेठ जी है, तो मतलब उन सब के सामने मैं पर्दा ज़्यादा नहीं करती हूँ, मतलब मुंह नहीं ढकती हूँ ऐसे करके, लेकिन घर से बाहर है ना तो बाहर क्या है सोसाइटी जैसी हो वहाँ वैसे रहना चाहिए। वीडियो तो मुझे लगता है कि सभी देखते होंगे, लेकिन सामने से हमेशा किया है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनका अपमान होगा, जो मैं हमेशा से करती आई तो मैं करती हूँ, और शादी से लेके अभी तक मेरे घर के अंदर पर्दा नहीं होता है, लेकिन जो सोसाइटी है वो तो हमारी मान लो सब स्टार्टिंग से वैसी ही है, हम मिडिल क्लास हैं, बाकी लोग भी जो हैं वो हमारे आसपास के वो भी सब इसी कल्चर के हैं, तो करना पड़ता है। और मैंने ये सब कभी नहीं किया कि मुझे नहीं पसंद है मैं नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है, जो मेरे यहाँ होता है वो मैं करती हूँ और वो मैं खुश होकर करती हूँ। तो मैं बाहर मुँह ढक लेती हूँ और जब अंदर आ जाती तो खोल लेती हूँ, देखते तो सभी हैं बट सामने से जैसा है वैसा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं कर लेती हूँ। तो बस इसीलिए ही आपने जो वीडियो देखी है वो पर्दे में देखी, वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वीडियो तो देखते ही होंगे। देखो वीडियो एक अलग चीज़ है, अब ऐसा नहीं है, आप सोचो कि आप जो हीरो हीरोइन हैं जो हमारे एक्ट्रेस हैं उनको आप शॉर्ट्स में देखते हो, बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स ड्रेसेस में देखते हो, बट आप उनको जब वैसे देखते हो ऑफ स्क्रीन आप वैसे अगर आपको दिखते होंगे तो वो फुल ड्रेसेस में देखते हैं, तो क्या वो वैसे थोड़ी ना ऐसे शॉर्ट्स कपड़े पहन के घूमते इतने शॉर्ट शॉर्ट्स से। तो ऐसे ही है हमारा जो कल्चर है वो कल्चर हमें अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रील्स बनाना हमारा काम है, ये वीडियो और ये सब हम अर्निंग के लिए करते हैं तो हम इसको इसके हिसाब से करते हैं, बाकी जो हमारा काम है जो हमारी पर्सनल जो फैमिली का जैसा कल्चर है उसको हम बोलते नहीं हैं। तो बस इसीलिए पर्दा किया हुआ है,
आप समझ ही सकते हो, और अगर आप भी मेरे जैसे आसपास के एरिया के हो तो आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ से होता ही है, राजपूतों में ऐसा है। और ये एक अच्छी चीज़ है कि मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है कि घर के अंदर भी पर्दा करके रहना पड़ता हो। आपकी मर्जी, आप सर पे डाल के रखो। मैं स्टार्टिंग से सर पे डालती हूँ तो बट डाल के रखती हूँ, बस इतना ही है, और बाहर पर्दा करती हूँ। तो अभी घर आके ये देखो, ये पार्सल आ गए थे, बस इनको भी ले जाऊँगी तो घर में ही कर दूँगी। और जब तक फौजी साहब की छुट्टी है तब तक घर में रहूँगी 15 तारीख तक, उसके बाद देखते हैं। और सीबी का भी स्कूल अभी 12 तारीख तक ऐसे ही चल रहा है, री एग्ज़ाम वगैरह बच्चों के चल रहे हैं, तो मैं सोची कि तब तक मेरा जो नवरात्रि है, नवरात्रि बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। क्योंकि क्या है ना, मम्मा के मतलब साथ में मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से निकल जाता है, पूजा पाठ, क्योंकि वो अच्छे से कर लेती हैं। और नवरात्रि मेरे यहाँ सभी लोग व्रत रहते हैं, फौजी साहब भी बहुत छोटे से व्रत रह रहे हैं, मैं भी बहुत पहले, शादी से पहले से मैं भी रहती हूँ, तो सब लोग सोचे कि साथ में ही अच्छे से हो जाएगा। वहाँ रहती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं रहता, यहाँ पे सब कुछ मेरे को करना पड़ता है, वहाँ सब मम्मा कर लेंगी, मेरे को व्रत रहना है, बस इतना सा है। तो फिर चलिए, फिर आपसे ना बहुत वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, ये 3-4 दिन का मैंने जो जो शूट किया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। वहाँ कोशिश करूँगी मैं कल से, कल का जो मेरे ससुराल के जो भी वीडियो होंगे मैं कोशिश करूँगी पूरा बनवाऊँ, क्योंकि अभी ना काम वाली दीदी भी नहीं थी, तो मुझे घर का भी काम करना पड़ रहा था, मिल नहीं थी, काम वाली दीदी भी थोड़ा कहीं बिजी थी तो वो नहीं आ रही थी, तो हम दोनों को ही करना पड़ रहा था। और मेरी सिस्टर भी है ना, तो वो टीचर है, तो उसको अपना भी स्कूल भी जाना रहता है, अपना वो भी देखना रहता है। अब उसकी भी छुट्टियाँ हो जाएंगी तो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। तो अभी मैं आपको प्रॉपर ढंग से कोशिश करूँगी दिखाने की। तो चलिए, इस वाले वीडियो को मैं एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। और कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप मुझे पसंद करते हो तो हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। बाय बाय।